रेडियो, फिल्म, स्टेज और टीवी के सीनियर तरीन अदाकार हदायतकार मसूद अख्तर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक एकेडमी का दर्जा रखते थे। उन्होंने फने अदाकारी से बहुत शोहरत हासिल की। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक लेजेंड की हैसियत रखते थे। सन 1960, 70 और 80 के जहीन तरीन और बासलाहियत करेक्टर एक्टर अदाकार थे। वो 5 सितम्बर सन 1940 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर साहिवाल के गाँव चीचा वतनी में एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। इनके वालिद आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम साहिवाल से ही हासिल की, फिर कुछ अरसा साहिवाल में कॉलेज लाइफ गुजारी, फिर लाहौर आ गए और एमए कॉलेज लाहौर में दाखिल हो गए और ग्रेजुएशन के बाद LLB की तालीम हासिल करने लगे। उन्होंने गुजर बसर के लिए 300 रुपए माहवार पर बैंक में मुलाजमत भी की। घर वाले इनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे, मगर इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और वो थी अदाकारी, और वो एक कामयाब अदाकार बन गए। उन्होंने अपने पहले ड्रामे में शहजादा सलीम का रोल अदा किया था। लाहौर में मुलाजमत के दौरान वो अक्सर शाम को अलहमरा में अपने दोस्त स्टेज अदाकारों के साथ बैठा करते थे और ज्यादा वक्त यहीं गुजारा करते थे। उन्होंने सन 1960 में बतौर थिएटर अदाकार काम शुरू किया और बेशुमार ड्रामों में काम किया। इनका शुमार स्टेज के बानी अदाकारों में होता था। उन्होंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में लातादाद ड्रामे किए। सन 1970 में इनका ड्रामा पैसा बोलता है बहुत मकबूल हुआ था। इसी दौरान सन 1964 में वो पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता हो गए और टीवी ड्रामों में काम करने लगे। फिर सन 1970 में रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया और ड्रामों में आवाज का जादू जगाने लगे, यानी सदाकारी करने लगे और काफी अरसा रेडियो से मुंसलिक रहे। फिल्मी दुनिया में मुतारफ करवाने का सेहरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर शबाब किरानवी के सर जाता है। उन्होंने अपना फिल्मी सफर सन 1967 में जफर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी की एक उर्दू फिल्म संगदिल से शुरू किया, जिसमें उन्होंने विलन का किरदार अदा किया था। इनका रोल बड़ा जानदार था जो पूरी फिल्म के गिर्द घूमता है और इनकी अदाकारी भी लाजवाब थी। ये फिल्म 2 जनवरी सन 1968 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बड़ी कामयाबी हासिल की और गोल्डन जुबली मनाई। इस फिल्म के हदायतकार जफर शहबाब थे और फिल्म साज शबाब किरानवी थे। मौसीकार एम अशरफ थे। एम अशरफ की बतौर सोलो मौसीकार ये इनकी पहली फिल्म थी। इससे पहले वो मंजूर अशरफ के नाम से म्यूजिक दिया करते थे। मंजूर और अशरफ दो अलहदा शख्सियात थीं जो मिलकर म्यूजिक दिया करते थे। मंजूर के अलहदा होने के बाद वो एम अशरफ के नाम से म्यूजिक देने लगे। अदाकारा सायका की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म के गानों ने भी इस फिल्म को 4 चांद लगाए और फिल्म की कामयाबी में हिस्सेदार बने। फिल्म की कामयाबी के बाद मसूद अख्तर के काम को भी सराहा गया और इनको सन 1968 में शबाब प्रोडक्शन फिल्म कंपनी की तरफ से हदायतकार शबाब किरानवी ने एक उर्दू रोमांटिक फिल्म मेरी दोस्ती मेरा प्यार में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में इनके साथ अदाकारा अनारकली हीरोइन थी। सेकंड हीरो अदाकार जायद खान थे। इनके साथ हीरोइन बांग्लादेशी अदाकारा रोजी थी, मगर फिल्म कामयाब ना हो सकी। फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। सन 1969 में इनको जफर आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रिलीज होने वाली उर्दू म्यूजिकल फिल्म दर्द में इनको एक बार फिर सेकंड हीरो का रोल दिया गया। फिल्म के हीरो अदाकार एजाज और हीरोइन अदाकारा दीबा थी। फिल्म के प्रोड्यूसर शबाब किरानवी थे, मगर अच्छी मौसीकी होने के बावजूद एक बार फिर इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खूबसूरत और जाज़िबे नज़र और दराज कद होने के बावजूद अदाकार मसूद अख्तर हीरो ना बन सके। इस काम में किस्मत का बड़ा अमल दखल होता है। शायद किस्मत की देवी इन पर मेहरबान ना थी, इसलिए वो हीरो के पायदान तक ना पहुंच सके। सन 1968 में रिलीज होने वाली इनकी पहली फिल्म संगदिल की कामयाबी ने इन पर विलन का ठप्पा लगा दिया और वो सन 1968 से सन 1980 तक विलन के किरदार ही अदा करते रहे।
उम्र ढल जाने के बाद वो फिल्मों में बूढ़े बाप के रोल भी अदा करते रहे। फिल्म में उन्होंने मनफी और मुस्बत हर किस्म के रोल अदा किए हैं। सन 1970 में रिलीज होने वाली हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म बेकसूर में इनका सोलो विलन का रोल था, जो उन्होंने नहायत उमदा अदाकारी से निभाया था। ये इनका एक यादगार रोल था। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन अदाकार मोहम्मद अली और अदाकारा जेबा थी। फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। इनकी पहली पंजाबी फिल्म वीर प्यारा थी, जो 24 अक्टूबर सन 1969 में रिलीज हुई थी। उन्होंने कुल 135 उर्दू, पंजाबी और सराइकी फिल्मों में काम किया। इनमें दो फिल्में पेंडू और दिया जले सारी रात अनरिलीज फिल्में थीं। इनमें ज्यादा तादाद उर्दू फिल्मों की थी। इनमें एक फिल्म मेंडा इश्क वी तू, जो 2011 में रिलीज हुई थी, सराइकी जबान में थी। इनकी शादी इनके वालदैन की मर्जी से अंजाम पाई थी, जिससे इनके 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा अली रजा पैदा हुए। सन 2021 में इनके बेटे का अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। कुछ उसका भी इन्हें बेहद दुख था। अदाकार मसूद अख्तर का इंतकाल 5 मार्च सन 2022 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में तवील बीमारी के बायस हुआ। वो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुबतला थे और हस्पताल में दाखिल थे। इस वक्त इनकी उम्र 83 बरस थी। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया है। सन 1983 में उन्होंने एक्टिंग गाइड के नाम से एक किताब भी लिखी थी। मसूद अख्तर नहायत शरीफुल नफ्स इंसान थे। कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह दौरान फिल्मी जिंदगी नहीं किया, बल्कि सुलह सफाई पर यकीन रखते थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फिल्म डायरेक्टर ने इनको सवाल पूछने पर थप्पड़ मार दिया था। डायरेक्टर ने इनको कहा, आपका एक क्लोजअप शॉट लेना है। मसूद अख्तर ने सिर्फ इतना पूछा, किस किस्म का क्लोजअप शॉट लेना है? बस इसी पर वो नाराज हो गए और थप्पड़ मार दिया। इस पर उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बल्कि रोना शुरू कर दिया और बाद में माफी भी मांगी। ये था इनका बड़ापन। वो सन 1968 से सन 2017 तक फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे। वो कुली तौर पर तकरीबन 6 दहाइयों तक फनून लतीफा से वाबस्ता रहे हैं। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म शनाख्त थी। ये एक उर्दू फिल्म थी, जो 4 मई सन 2018 में रिलीज हुई थी। इनको लाहौर ही के कब्रिस्तान मियानी साहब में सुपुर्द खाक किया गया है। वो 30-35 बरस से गुलशन रावी लाहौर के इलाके में रहायश पजीर थे। इनकी बीवी शायदा मसूद और इनकी 3 बेटियां भी हयात हैं। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके गुनाह माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए अब इनकी चंद यादगार फिल्मों के नाम आपको बताते हैं। नाजनीन सन 1969, माँ बेटा सन 1969, तेरी सूरत मेरी आँखें सन 1971, आंसू सन 1971, जापानी गुड्डी सन 1972, नाग मुनि सन 1972, उमंग सन 1975 और पहली नज़र सन 1977। और भी बेशुमार फिल्में हैं, मगर सबका जिक्र नहीं कर सकते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।